आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। ये है जी ईद का फर्स्ट डे और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट बिल्कुल सिंपल था। हम लोग लेंगे चाय बना रही हूँ और साथ में जो है ना ऑमलेट और ब्रेड लेंगे हम लोग, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी और अभी फिर हम लोगों ने निकलना था, जाना था कुर्बानी के लिए। तो बस ये जो गर्मी वाली ईदें ना, ये भी अजीब है कि ना तो इतना कुछ खाने का दिल कर रहा होता है, हालांकि ईदों पर कितना हम लोग खाते हैं ना। तो अभी भी जो है कढ़ाई बनी रखी हुई थी, हम लोग पराठे बना सकते थे उसके साथ और मीठा भी बना हुआ रखा हुआ था, लेकिन ये है कि बस पराठे या हैवी कोई चीज़ खाने का ना दिल ही नहीं कर रहा था। तो ईदों पे तो यही दो काम होते हैं, या तो खाने पीने वाले काम होते हैं, दावतें वगैरह होती हैं, या फिर रेडी होना होता है, तैयार होना होता है, कहीं जाना होता है, लेकिन गर्मी की वजह से ना इन दोनों कामों का ही दिल नहीं कर रहा होता। अच्छा, छोटी ईद पे ना इतना मसला फिर भी नहीं होता और रमज़ान जो है वो भी गुजर जाता है, अब तो खैर इतनी गर्मियों में नहीं रहा, लेकिन बड़ी ईद पे ना ये गोश्त वाला जो काम होता है ना, ये करना और फिर गोश्त बांटना संभालना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है गर्मी में। कह तो रहे थे कि ईद वाले दिन बारिश होगी, लेकिन जहाँ पर तो बारिश का फिलहाल कोई नामो निशान नहीं था। मैं सुबह से देख रही थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे कि ईद वाले दिन बारिश हो जाए ताकि काम थोड़ा सा ईजी हो जाए, क्योंकि हमने वहाँ पे जाके कुर्बानी करनी होती है, वहाँ से फिर गोश्त वगैरह संभाल के फिर गोश्त वगैरह ले के आना होता है, यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है, तो गोश्त जो है ना वो ख़राब होने का डर होता है। तो बस अभी ये ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं और इसके बाद फिर रेडी होकर निकलते हैं वाक के लिए, अपनी कुर्बानी के लिए। और हम तो ये वाला ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में बड़ी ईद पे इस तरह से होता है कि सुबह सुबह जब आपकी कुर्बानी हो ना, तो आपको पता है कि कलेजी सबसे पहले आपको मिल जाती है, बाकी गोश्त तो बन रहा होता है लेकिन कलेजी जो है ना वो आपको मिल जाती है। तो वो कलेजी बनाई जाती है सुबह सुबह और वो जो नाश्ता होता है ना वो बड़े मज़े का लगता है। बेशक आप कलेजी को सिंपल फ्राई कर लें नमक काली मिर्च के साथ, आप कलेजी खा लें, या फिर आप जो है ना उसको अच्छे से मसाले में भून के और उस तरह से बना के साथ में पराठे बना लें, तो वो बड़े मज़े का नाश्ता लगता है। तो शादी से पहले हम लोग भी इसी तरह से करते थे कि सुबह सुबह जो है ना कलेजी वगैरह बना के उसी के साथ नाश्ता करते थे। खैर उस टाइम पे ना मौसम भी ज़रा अच्छा होता था, अच्छे मौसम में ईद आती थी। और अभी फिर हम लोग को दूर जाना पड़ता है, और दूसरी ये बात कि ये काम ना वही लोग कर सकते हैं जिनका कुर्बानी का नंबर ना पहला या दूसरा हो सुबह सुबह हो, वरना तो कुछ लोग जो है उन बेचारों की शाम हो जाती है कुर्बानी करते करते, फिर वो लोग तो इस तरह से नहीं कर सकते। और वैसे है भी इसी तरह से कि आप जो है सुबह रोज़ा रख लो और जब आपकी कुर्बानी हो जाए ना और आपको कलेजी मिले तो उसके साथ आप वो रोज़ा खोलो अपना। हम लोग जा रहे हैं अभी वाह, और रास्ते में मैं देख रही थी कहीं कहीं पे बादल तो बड़े अच्छे से आए हुए थे, लेकिन बारिश का कोई भी इम्कान नहीं था। और मैं दुआ करती लग रही थोड़ी सी बारिश हो जाए ईद वाले दिन, ताकि थोड़ी सी जो है ना गर्मी में कमी हो जाए, लेकिन ईद पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और गर्मी उसी की उसी तरह से थी। तो मेरे जो ससुराल वाले वो भी वाह में होते हैं और अम्मी लोग जो हैं वो भी वाह में होते हैं, तो हमारा मोस्टली जो है ना छोटी ईद पे भी बड़ी ईद पे भी हमारा वाह ही जाना होता है, वहीं पर हमारी ईद होती है। तो अभी पहले तो हम लोग गए थे अपने ससुराल, मतलब मैं अपने ससुराल गई थी और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठे, उसके बाद फिर मैं अम्मी की तरफ आ गई थी, क्योंकि यहीं पे जाना मैंने सारा गोश्त वगैरह अपना संभालना होता है, अम्मी भी मेरे साथ हेल्प करवा देती हैं और हस्बैंड जो है वो फिर वापस चले गए थे वहाँ पर कुर्बानी वगैरह देखने के लिए, कुर्बानी करवाने के लिए। और अम्मी लोग की कुर्बानी जो है वो हो चुकी थी, अम्मी लोग की कुर्बानी होती है बड़ी सिस्टर के साथ, मतलब उनके साथ उन्होंने उनके जानवर में हिस्सा डाला होता है, तो इनकी जो है ना सुबह सुबह कुर्बानी हो जाती है। और बस इन्होंने सुबह सुबह अपना गोश्त वगैरह संभाल के करके सब कुछ जो है ना ये लोग फारिग हो चुके थे अभी तक। हम लोग की कुर्बानी जो है वो थोड़ा सा लेट होती है, मतलब शाम हो जाती है गोश्त आते आते, तो बस अभी जो है हस्बैंड देखे गए हैं जो हमारा हिस्सा था, और हस्बैंड फिर वापस चले गए क्योंकि अब्बू के साथ जो है ना, मतलब मेरे जो ससुर अब्बू हैं उनके साथ सारा काम जो है वो हस्बैंड ने करवाना होता है, गोश्त वगैरह बनवाना, फिर जहाँ पे बांट के आना होता है वो सब काम जो है ना वहाँ पे हस्बैंड ही करवाते हैं। और यहाँ पर जो मेरा हमारा हिस्सा होता है वो सारा जो है मैं संभालती हूँ, और साथ में जो है ना अम्मी हेल्प करवा देती हैं, कटिंग वगैरह करवा देती हैं, और कहीं पर दे के आना होता है तो वो करवा देती हैं साथ में। तो बस यहाँ पर जिस तरह से गोश्त के तीन हिस्से करते हैं उसी तरह से हमने किए, और गरीबों के जो हैं वो लहदा से पैकेट्स बनाए, फिर जो रिश्तेदारों वाले थे वो पैकेट्स बनाए, और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा जो है ना उन रिलेटिव्स की तरफ भेजूँ, मतलब अच्छा जो है ना ज़्यादा उनके लिए बड़े पैकेट्स बनाऊँ जिन्होंने कुर्बानी नहीं की हुई, या थोड़े से जो गरीब है उनकी तरफ ज़्यादा भेज दूँ।
तो बस अभी फिर जो ज़्यादातर देने वाला था वो यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया, और कुछ पैकेट्स जो हैं वो मैं साथ में लेके जाऊँगी क्योंकि कुछ घर इस्लामाबाद में वहाँ पे देना होता है, तो उनके हिस्से जो है ना वो फिर मैं साथ में लेके जाऊँगी। और हमारा अपना जो हिस्सा है उसको भी हम लोग कटिंग शटिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उसके फिर मैं पैकेट्स बनाऊँगी। और यहाँ पर ना वहाँ में लाइट काफ़ी जाती है, और मैं अभी यही सोच रही थी कि ईद वाले दिन जो है ना यहाँ पर लाइट ना जाए, वही हुआ कि हम लोग गोश्त बना रहे थे और बीच में लाइट चली गई। तो खैर थोड़ी देर के लिए गई थी, तो लाइट के आने तक जो है ना हम लोग अपने पैकेट्स वगैरह बना चुके थे। तो यहाँ पर जी ये देखिए ये टब जो उस दिन मैं आपको दिखा रही थी ना, जो मैं वॉश कर रही थी, मैं आपको बता रही थी कि इसी में हम लोग गोश्त रख के लेके आते हैं गाड़ी में, तो इसमें नीचे नीचे इस तरह से सारी बर्फ़ में बिछा लेती हूँ, और इसके ऊपर जो है ना फिर गोश्त वाले शॉपर्स रख देते हैं ताकि रास्ते में लाते लाते जो है ना गोश्त थोड़ा सा ठंडा ही रहे और वो ख़राब ना हो। तो ये काफ़ी सारी बर्फ़ अम्मी ने रखी हुई थी मेरे लिए बना के, और अपने साथ भी मैं लेके गई थी, लेकिन मेरे पास क्योंकि इतना बड़ा बर्तन ही था जिसमें मैं बर्फ़ इस तरह से लेके जाऊँ और पिघले भी नहीं, मेरे पास वो जग ही था थर्मस वाला, तो उसमें जो है ना मैं तोड़ के बर्फ़ डाल के लेके गई थी, तो वो तो इतनी फिर अब छोटी छोटी थी, तो वो हमने वहाँ पर यूज़ कर ली। और ये जो बर्फ़ है ना ये फिर मैंने नीचे सिर्फ इस तरह से रख ली थी। तो यहाँ पर ये सारे पैकेट्स मैंने बना लिए थे, ऊपर फिर मैंने मार्कर से जो है नेम्स वगैरह लिख लिए थे जो देने वाले थे, या जो मैंने जिस तरह से फ्रिज में मैंने सेटिंग करनी थी, और फिर उन पैकेट्स की भी जो है ना अलग-अलग से मैंने एक एक बड़ा बड़ा पैकेट बना लिया था ताकि सारे जो है वो मिक्स भी ना हो और ईजिली जो है ना घर जाके मैं उनको फ्रिज में अरेंज कर दूँ। तो यहाँ पर ये सारे जो है पैक हो गया हम लोग का गोश्त, नीचे मैंने सारी बर्फ़ डाल दी थी, और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उसको फ़ैन के नीचे रख रहे हैं ताकि यहीं पर जो है ना ठंडा ही रहे। और उसके बाद अब यहाँ पे जो गोश्त की वजह से नीचे गंद, हालांकि हम लोगों ने पैनाफ्लिक्स बिछाया था लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा बहुत गंद हो जाता है, तो वो भी सफाई कर रहे हैं क्योंकि फटाफट से जो है ना गोश्त की स्मेल पे चूंटियाँ आने शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने गोश्त सारा बना लिया, संभाल लिया, और जब तक हम ये काम कर रहे थे तो जो दे के आना था ना वो हस्बैंड कुछ घरों में दे आए, और अभी जो कुछ घर रह गए थे वहाँ पे अम्मी लोगों ने जाना था अपना भी देने के लिए, तो वो फिर मैंने अम्मी को दिया कि वो अम्मी लोग दे के आएंगे। और बस इसी तरह से होता है ईद पे कि फटाफट से गोश्त अपना भी संभालना होता है कि ख़राब ना हो जाए, और जिनको दे के आना होता है ना उनको भी फटाफट से पहुँचाना होता है ताकि ख़राब ना हो जाए उनका गोश्त भी। उसके बाद अभी कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ पे छत पे आ गए थे क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ऊपर जो है ना फिर भी थोड़ी सी कूलिंग थी, थोड़ी थोड़ी सी ठंडक थी, हवा चल रही थी। तो अभी अम्मी लोग जो हैं वो कुछ चले गए थे कुछ रिलेटिव्स की तरफ जहाँ पे गोश्त दे के आना था जिनके हिस्से रखे हुए थे, क्योंकि इसी तरह से होता है पहले दिन दे के आना पड़ता है क्योंकि अपने फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं होती ना कि बंदा अपने फ्रिज में रखे रखे किसी के हिस्से। और यहाँ पर अम्मी ने बनाया हुआ था भुना हुआ गोश्त कि चलो रात को खाना खाना होगा तो खाना खा लेंगे, लेकिन कुर्बानी का गोश्त देख देख के और बना बना के ना दिल इतना भरा हुआ था कि गोश्त खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था फिलहाल। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ क्योंकि कुर्बानी के गोश्त का ना टेस्ट डिफरेंट होता है, दूसरा गोश्त थोड़ा ड्राई ड्राई लगता है ना, लेकिन ये बड़ा टेस्ट वाला होता है और जूसी सा होता है। और बस उसके बाद फिर अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं वापस जाने के लिए, मैं बस चीज़ें वगैरह अपनी समेट रही थी, और ये वाला जगह जिसमें जो है ना मैं बर्फ़ इस तरह से भर के लेके आई थी, और देखिए उस टाइम से मैं दिन के टाइम से मैंने इसमें डाली हुई और अभी तक ये बर्फ़ जो है ना पिघली नहीं थी, क्योंकि ये थर्मस वाला जगह है ना तो इसके अंदर अगर बर्फ़ डालते हैं ठंडा पानी हो तो वो फिर गर्म नहीं होता। तो ये वाली बर्फ़ तो फिर हमने वैसे ही यूज़ कर ली थी, लेकिन अब ये थोड़ी सी बची हुई थी तो मैं इनका जग खाली करती हूँ और इस बर्फ़ को भी जो है ना इसी में डाल देती हूँ, टब में डाल देती हूँ गोश्त के ऊपर ही। और बस अभी जो है इसको हम लोग लेके जा रहे हैं घर, और घर जाके बस ये पैकेट्स मैंने ओपन करने हैं और इसी तरह से जो है इनको फ्रिज में सेट कर देना है। तो यहाँ पर जी हम लोग आ गए थे घर, और ये देखें इस तरह से मैंने फ्रिज में सारे पैकेट्स वगैरह सेट कर दिए हैं, और फ्रंट पे जो पड़े हुए ना और ये जो पड़ा वाला पड़ा हुआ ये कुछ अभी देने वाले हैं लोगों को, कल अब दूंगी सुबह क्योंकि अभी तो काफ़ी देर हो गई थी, तो अब सुबह ही जो है ना उठ के फिर ये दूंगी और ये तब तक शायद फ्रीज़ हो जाए। तो खैर शुक्र है कि खैर खैरियत से ये काम हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना टेंशन इसी गोश्त वाले काम की हो रही होती है कि किस तरह से कुर्बानी होगी, किस तरह से संभालना है, किस तरह से लाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। तो शुक्र है कि ये काम हो गया, और फर्स्ट डे जो है ना गोश्त देख देख के और उसकी स्मेल की वजह से जो है ना गोश्त खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो फर्स्ट डे तो ऐसा हमने कुछ भी नहीं बनाया था, और सेकेंड डे फिर मैंने बनाई थी बिरयानी, क्योंकि पहली जो आसान डिश होती है ना वो या तो बिरयानी होती है या फिर पुलाव होती है, बाकी मुश्किल चीज़ें जो है ना वो बाद में आराम आराम से बनती रहती हैं। मैं बना रही हूँ अभी बेटी के लिए नूडल्स, क्योंकि आजकल जो उसके फेवरेट चल रहे हैं तो बस उसने डेली लाजमी खाने होते हैं। और ये मेरे स्टोव का हशर आप लोग देखिए ज़रा, इसी वजह से जो है ना इसको मैंने क्लीन करने के बाद फॉइल पेपर के साथ कवर कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था ईद वाले दिनों में इसका ये हशर हो जाना है, और इतनी जल्दी जल्दी मैंने इसको क्लीन नहीं करना था, तो मैंने इसको फॉइल पेपर के साथ कवर कर दिया था कि जब गंदा हुआ ना फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी। तो बस अब जिसको मैं आज जो है ना बिरयानी बनाने के बाद फिर इंशाल्लाह चेंज कर दूँगी, लेकिन ये कि देखें नीचे से बिल्कुल साफ़ है और इतनी जो है ना क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी।
अच्छा, कुर्बानी वाले गोश्त की जो अपनी एक मखसूस गोश्त वाली स्मेल होती है ना, वो क्योंकि कई दफ़ा जब बॉयल करते हैं ख़ासतौर पे या कुक करते हैं तब ज़्यादा उसकी स्मेल आ रही होती है, तो इस स्मेल की वजह भी मैं आपको बताती हूँ कि ये स्मेल आती क्यों है। और इसकी एक छोटी सी सिंपल सी टिप है, अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो बहुत हद तक इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी मैं बनाने की बिरयानी और सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने रेडी कर ली हैं। गोश्त को भी मैंने उसी तरह से करके ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इस तरह से मैंने इसको करके रख लिया है। और बस साथ साथ बिरयानी बनाती हूँ मैं, आपको साथ साथ टिप बताती हूँ कि वो किस तरह से जो है गोश्त को आपने करना है। आपने गोश्त को जब आपने बनाना है ना उसको, तो आप उसको निकालें, उसको वॉश करें, मतलब अगर फ्रीज़ किया हुआ तो उसको डीप फ्रीज़ कर लें, उसको वॉश कर लें, और उसके बाद आपने उसको सिंपल पानी में डाल के ना बॉयल करना है, और कुछ भी नहीं पानी में ऐड करना, सिर्फ आपने गोश्त डाल देना है और पानी डाल देना है, और उसको ज़्यादा बॉयल भी नहीं करना, सिर्फ आपने उसको 2-3 मिनट के लिए बॉयल करना है कि उसको एक दफ़ा जरा उसको उबाल आ जाए। अभी आपने देखा होगा जिस तरह से मैं बॉयल कर रही थी, तो बस जैसे ही उसके ऊपर वो झाग सी आने शुरू हो जाए ना, ब्लैक ब्लैक सी, रेड रेड सी, तो बस आपने उसको उतार देना है और उसको पानी के साथ एक दफ़ा वॉश कर दें, वो वाला पानी उसमें सारा निकाल दें। तो असल में होता ये है कि गोश्त के अंदर जो थोड़ा बहुत ब्लड रह जाता है ना, उसी की वजह से स्मेल आ रही होती है और वो हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता। तो इस तरह से जब हम उसको बॉयल करते हैं ना, तो जो भी उसके अंदर ब्लड होता है ना वो निकल आता है और वो अच्छे से जो है ना गोश्त वॉश हो जाता है। आपने देखा होगा कुर्बानी के बाद भी जब गोश्त हम लोग बनाते हैं या जब हम लोग पैकेट्स बना के फ्रिज में रखते हैं, तब भी जो है ना उसमें से थोड़ा थोड़ा सा ब्लड निकल रहा होता है, तो वही जो होता है ना उसकी वजह से स्मेल सी आ रही होती है। तो खैर, बिरयानी का मसाला यहाँ पर रेडी हो गया है, बस अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। और आज जो है ना हमें लेमन नहीं मिले थे, तो मैंने इसमें ढेर सारा इमली का पानी ऐड किया, क्योंकि लेमन में काफ़ी सारे डालती हूँ और लेमन की वजह से जो है ना बिरयानी का टेस्ट ही उठ के आता है, खट्टा खट्टा सा आता है, तो वो फिर थे नहीं मेरे पास लेमन, तो मैंने इसमें ढेर सारा इमली का पानी ऐड कर दिया। और बस अब इसके ऊपर जो भी चीज़ें मैंने ऐड करनी है वो ऐड कर दूंगी, और उसके बाद फिर दम पे लगाती हूँ और फिर फाइनल लुक में आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से। और बिरयानी की रेसिपी मैंने अभी डिटेल में इसलिए नहीं दी क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा मैं बिरयानी की रेसिपी जो है ना वो डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, अगर कोई न्यू है चैनल पर या अगर कोई देखना चाह रहा है तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो ये था जी मेरा ईद का व्लॉग। व्लॉग अगर आप लोग का अच्छा लगा करें तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है ना, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाया करें। और बस इस ईद पे तो यही होता है, गोश्त वाले काम होते हैं सारे, उसके बाद फिर गोश्त वाली डिशेज बनाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस ईद की स्पेशलिटी यही है, तो फिर यही काम होने हैं ना इस ईद पे। और इसके अलावा गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कोई तैयार शायद रेडी शेटी हुए नहीं ईद के लिए, वरना तो इंस्टा वाले अभी भी पूछ रहे हैं कि आपने कहा था इंस्टा पे पिक्चर्स लगा दूंगी ईद की, तो आपने अभी तक शेयर नहीं की, तो वो इंशाल्लाह मैं फिर किसी दिन लगा दूंगी इंस्टा की स्टोरी पे। और आप लोग भी अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी, तो वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो खैर, यहाँ पर जी मेरी मज़ेदार सी यम सी बिरयानी रेडी हो गई है, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।